हेलो जी, हेलो जी, ए आ गए जी बेगम जैदी दे हाथ चढ़ गए जी बूटे। हूँ देखो जी तबाहियां लेंदियां स्पीडा चेक करो जी मेरिया। हूँ हूँ जिहड़ी जिहड़ी जगह तो चीज़ा खराब हो गई सी, पौधे खराब हो गए सी, उत्थे नवें नवें बूटे लगन गए, नवें नवें खुडे मारे जाणगे। सख्ती आ गई बूटियां दी ते नाले जी क्यारियां दी। हूँ देखो जी किदी किदी शामत आई है। वो हम बचपन में छोटे होते थे ना तो एक वो हम लोग गेम खेला करते थे कोकला छुपा की, जुमेरात आई है जरा पिछू मुड़ के वेखे उसकी शामत आई है। वो बिल्कुल हिसाब वो इन पौधों का हो गया। अब ये पौधे हमें नए आए हैं, नर्सरी से मंगवाए हैं और काफ़ी सारे मंगवाए हैं। तो जिस जिस जगह से पौधे ख़राब हो गए वहाँ पर नए लगाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत ही मनु हफकियाँ कालियाँ हो जाएंगी ना अगर बूटे कुछ जो ख़राब हो जाए, कोई मसला बन जाए या तो फिर मैं सारा दिन वो ही परेशान होती रहनी हूँ। उस घर वाले कहते हैं कि इन बूटे लिया दो तो जान छिड़ा हुआ हर टाइम का जरा ना मसल जरा हर टाइम अफसोस कर बह जाना। इस जान छिड़ाने वास्ते मैं बूटे लेने चल अपने रोली लगी रही है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी वाइटी फैमिली, कैसे आप लोग, उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मौसम बहुत प्यारा तेज़ हवा चल रही है और बारिश आने के बहुत कभी अमकान है। तो पिछले व्लॉग में बारिश ने बहुत तबाही मचाई थी, बहुत सारे मेरे पौधे ख़राब कर दिए, बहुत ख़राब किए थे। और आज हमने और पौधे लेके आए थे तो वो हमने लगाए हैं, बहुत अच्छे से लगाए हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, बारिश बनी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं पौधे लगाती हूँ बहुत अच्छे होते हैं और अब भी होंगे इंशाल्लाह। अभी भाभी की कॉल आ रही थी कि चाय बनी हुई है, आएँ चाय पीते हैं मिलके, मौसम बहुत प्यारा आ रहा है। तो फिर भाभी बुलाती है तो फिर तो जाना पड़ता है, कॉल आई है तो चलते हैं, चल के चाय पीते हैं और बाकी गपशप उधर करेंगे। तो फिर देखते हैं चाय के साथ क्या हमें मिलेगा। तो आज घर में खाना पीना कम होगा, चलते हैं फिर देखते हैं। चाय बन रही है और सब उधर इकट्ठे होंगे। हेलो जी, सवारियां घरों निकल आईया ने ते तुसी भी सोचते हो गए कदे उर्दू तो कदे पंजाबी, कदे उर्दू तो कदे पंजाबी, बस कुछ ना पूछो। बोलियां साडियां इन्नियां ख़राब हो चुकिया ने, सच्ची गल है कि बच्चों के ना रह रह के ना ना असी उर्दू रहे ना असी पंजाबी रहे, असी ना इधर दे रहे हैं तो ना असी उधर दे रहे हैं। साडा खाता कुछ इंज दा ही हो गया जी। साडा घर मेरे भाई दा दो तीन घर छड्ड के ही है, इको गली विच ही असी रहने हैं। बड़ा मज़ेदार जिहा माहौल जी, जिससे दिल करदा घरों ना भी नाराज़ होकर जाना हो, कुछ पकाने नूं जी ना करे तो बस मूड जिहा खराब करके तो टुर जाईदा। फायदा बड़ा हो जाता है कि घर वाले समझते हैं कि नाराज़ होकर गई है तो अगले भी कहें नाराज़ होकर आई है। जिस टाइम खा पी लेता है तो फिर असी भी राजी, तो अगले भी राजी, फिर चुप करके असं आखते नहीं असं मजाक कर रहे थी, ऐ जी साडा मजाक होंदा है। तो फिर असं घर वापस आ जाए। हेलो जी, भाभी बैठी जे किचन च लगी चाह बना, हूँ मैं उन्होंने करानी मदद, तो मैं मदद की करानी है। ऐ देखो हूँ कैमरा किरे तो चाह किरे, हूँ हूँ चूल्हे का सत्यानाश होने वाला जे। वो अगे हस देने कि ध्यान जाना ये कैमरे वाल होंगे तो सारे भांडे ज। हेलो स्पीडा चेक करो साड़ियाँ चाह बना दियाँ। चाह जी एक घर के जो दुध रहने चाह बड़ी मज़ेदार बनती है, बड़ी सोहनी बनती है। तो भाभी ने पहले उत्ते चाय रखी हुई सी, पक पक के पहले ही वह माशाल्लाह बड़ी खुशबू दे रही सी, बड़ी खुशबू दे रही सी। तो इधर विच उन्होंने एक खास जहा उन्होंने टोटका जे, तो टोटका अज मैं थोड़ा शेयर कर ही दिनी हाँ कि साढ़े जे ने ये टोटके की पाया जाता। ये साड़ी एक नूरजान कहती सी कि मेरा लौंग गवाचा, मेरा लौंग गवाचा। वो जो लौंग गवाचा सी ना वो साड़ी चाह दे विच पा के असी दालचीनी तो लौंग तो उसका टेस्ट जिहड़ा वधा लईदा। तो वो बेचारी रौला ही पाती रह गई पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदा ही मेरा लौंग गवाचा मैं। और यह जी लौंग साड़ी चाह दे विच दस्तियाब होएगा, हुण तुहानू परेशान ना होयो। ते भाई साहब लैके आ गए जलेबियाँ, यह जलेबियाँ साढ़े पाकिस्तानी लोग जो जलेबी वर्गे सीधे तीर होंगे ने कहन बड़े मासूम, लेकिन जलेबी वर्गे होंगे ने। तो यह मेरा भाई भी जलेबी वर्गा जो बिल्कुल जलेबी वर्गा, भाभी मेरी रौला पाती रही इसे कन तो जूँ नहीं रंगती, और शिकायत कद मैनू कद तेनों। खैर कोई गल नहीं, यह दुनिया का सिलसिला चलता रहना, भांडे भी धुच गए, चाह भी बन गई,
हूँ कप्पां च पाने आ, वेड़े मंजी च बहने आ खुली हवा दे विच। ते ए किचन जी मेरी भाभी दा है ते निक्का जिहा पर सोहना वावा सैट करके रखे उन्होंने। ते हुण वेड़े मंजी च बहने आ, नाले खाने जलेबियां मारने आ गप्पां, ते नाले हुण तुहाडे कोल इजाजत चाहुंदे आ। दुआवां च याद रखियो मेरा ब्लॉग पसंद आया जलेबी जैसा, ते मैनूं फीडबैक च जरूर दसना ताकि मैनूं पता होया कि मैं किहड़ियां जिहड़ियां ना इत्थे कर रही हैं जी, रौनकां ला रही हैं। हुण इजाजत दिओ, फिर मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। जब तक खुदा हाफिज़।